दोस्तों ऐसा स्नेक अगर बाइट कर ले तो आप डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाएं, झाड़ फूंक तंत्र मंत्र में के चक्कर में ना रहें। दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सर्फ मित्र एस पी यादव पे। दोस्तों कल भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से जस्ट बगल में ही मीराचक गांव में एक लार्ज साइज का इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा मैंने रेस्क्यू किए थे। तो दोस्तों आज हम ऑलरेडी पर्यावरण में आ गए हैं जो आज इसे हम रिलीज कर देंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं पर्यावरण का माहौल कैसा है, शांत स्वभाव का बना हुआ है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये लार्ज साइज का इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा। दोस्तों करते हैं इसे बाहर और दिखाते हैं। दोस्तों आप वीडियो में बने रहे। दोस्तों देख सकते हैं किस तरह ये आवाज कर रहे हैं। किलो दोस्तों ये भारत का सबसे जहरीला इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है, इसे हम भारतीय नाग बोल सकते हैं साइंस में इसे नजा नजा। दोस्तों अगर ऐसा स्नेक बाइट कर ले तो आप डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाएं, झाड़ फूंक तंत्र मंत्र के चक्कर में ना रहें, नहीं तो जान जा सकता है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये बहुत ही लार्ज साइज का इंडियन स्पेसिफिक कोबरा है, अगर ये बाइट कर ले तो आप डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाएं, झाड़ फूंक तंत्र मंत्र के चक्कर में ना रहें, नहीं तो जान जा सकता है। देख सकते हैं दोस्तों फोटो भी लेना, इंडियन ये स्पेक्टिकल कोबरा है, आप देख सकते हैं ये लार्ज साइज का इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है। दोस्तों हम इसे अब रिलीज कर देते हैं, बहुत ही इसके साथ हम खेल कूद कर लिए, थोड़ा रोमांटिक भी कर लिए। देख सकते हैं आप ये इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है, देख सकते हैं ये बहुत ही लार्ज साइज का है। दोस्तों मेरा एक ही उद्देश्य है कि अगर किसी को स्नेक बाइट कर ले तो उसका मृत्यु नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे भारत में बहुत ही अंधविश्वास फैले हुए हैं, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों ये किस तरह अपने हुड पे खड़ा है, ये बहुत ही लार्ज साइज का इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों हम इसे रिलीज कर देते हैं। देख सकते हैं दोस्तों ये इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा। दोस्तों हम इसे रिलीज कर देते हैं। दोस्तों हम इसे तो पर्यावरण में अच्छी तरह से रिलीज कर दिए, थोड़ा कैमरा में कैद कर लीजिए। रिलीजिंग वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप बताएं, और अगर स्नेक निकल जाए तो नज़दीकी स्नेक सेवर से आप संपर्क करें, जो आपकी सहायता ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और बोलेंगे गर्व से वंदे मातरम।